वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी को इंतज़ार था बुनियाद स्कीम के बारे में। बुनियाद के अंदर होने वाले एग्ज़ाम की डेट को लेकर बड़ा इशू है, क्योंकि पहले बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लेकिन कुछ चलती हुई गलतफहमियों की वजह से स्कीम को पहले रोक दिया गया था। और अब नई मीटिंग के अनुसार जो मीटिंग बैठक बैठी है, उस बैठक में शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव भी थे, उसमें अलग अलग जो इनकी ब्रांचेस बनाई गई हैं वहाँ के जो हेड भी हैं, और जो पहले जिसको लीड करना था उसको इससे हटाकर एक नए तरीके से बनाया है, जिसमें पूरा जो अट्रैक्ट यानी या इसे जो बैलेंस करेंगे वो गवर्नमेंट करेगी। अब ऐसा नहीं है कि वही जो पहले वाला पैटर्न इसका रह गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि इसके अंदर इंद्रधनुष जो एडिटोरियम है उनको भी ये कार्यभार सौंपा गया है। चेयरमैन महावीर सिंह ने ये बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि जो चेयरमैन मतलब शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव जो हैं, उन्होंने ये बोला है महावीर सिंह जी कि ये जो भी सारे स्टूडेंट हैं, पहले 22 जिलों के अंदर अलग अलग स्कूल के अंदर बनाया गया था, एक एक स्कूल सिलेक्ट किया गया था, लेकिन अभी जो सिलेक्शन हुआ है 51 स्कूल का सिलेक्शन हुआ है जो कि गवर्नमेंट स्कूल है। 22 जिलों में 51 स्कूल की लिस्ट बनी है और उस स्कूलों के अंदर सभी को अलग अलग तरीके से कोचिंग करवाई जाएगी। कोचिंग के अलग अलग नियम होंगे, इसको अलग अलग खंड में डिवाइड किया गया होगा, लेकिन इसकी मेन ब्रांच जो है वो रेवाड़ी ही रहेगी। और जो रेवाड़ी की मेन ब्रांच अभी जो सुपर हैंडेड के लिए, उसे अलग जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसका नाम रोहतक बताया जा रहा है, मतलब रोहतक के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी मीटिंग में सभी इंचार्जेस का कहना है कि इसमें हम पहले जो बच्चे 9th में जो पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन करेंगे, जब 8th का रिजल्ट आ जाता है, 8th वाले बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाता है, उनका सिलेक्शन करेंगे और 9th में उन बच्चों को हम पढ़ाएंगे, 9th और 10th में वो कोचिंग देंगे NTSC की, ताकि वो बच्चे NTSC क्रैक कर सके और उसको बच्चे को स्कॉलरशिप मिल सके। NTSC के दो लेवल होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बुनियाद की, तो हम बुनियाद को समझते हैं। बुनियाद को दो अलग अलग खंडों में डिवाइड किया गया है, यानी दो अलग अलग लेवल में इसको डिवाइड किया गया है। जो पहला लेवल है, उसका एग्ज़ाम आपकी तहसील में होगा, यानी जो खंड डिवाइड किए गए होते हैं हर अलग अलग जिले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसमें होगा। और जो पहला एग्ज़ाम होगा उसमें पर स्कूल, यानी हर स्कूल, यानी 51 स्कूल में इन्होंने ब्रांच डिवाइड की गई है, और 51 स्कूलों के अंदर हर ब्रांच के अंदर 200 बच्चे रखे जाएंगे। उन 200 बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी, ऑनलाइन कोचिंग के लिए पर्याप्त जो भी साधन है वो दिए जाएंगे, टैबलेट्स वगैरह भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होने वाला है, रजिस्ट्रेशन 3 जुलाई से 18 जुलाई तक बोला जा रहा है। सभी बच्चे रेडी रहें 3 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में इसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। इसके साथ साथ बता दें कि इसका जब सेकेंड लेवल आएगा, तो वो 400 बच्चे रखेंगे, और 400 बच्चों को रेवाड़ी के मुख्य केंद्र में रखा जाएगा। उनके खाने पीने की सभी व्यवस्था वहीं होगी, आने जाने का किराया भी इसके साथ इंक्लूड होगा। ये बात हमारे मुख्य सचिव महावीर सिंह जी ने बताई है, और उस मीटिंग के दौरान ये फैसला हुआ है। जो बाद में जो बच्चे रखे जाएंगे उनको JEE और NEET की कोचिंग करवाई जाएगी, मतलब फुल्ली अगर बात करें तो सभी को हाई लेवल की कोचिंग करवाने की व्यवस्था की जा रही है, JEE हो NEET हो। और इसमें धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो भी तो स्कूल के ही बच्चे हैं, वो भी तो हरियाणा के ही बच्चे हैं। इसके साथ साथ ड्रेस भी आपको मिलेगी, टैबलेट भी आपको मिलेगी, और आपको वहाँ जो सिम दी जाएगी उसमें सारा सिस्टम उन्हीं का होगा, और वो सिम और वगैरह सब रख लेंगे जब आप वहाँ से आएंगे। उनका आने का प्रोसेस जानने के लिए पहले जाने का प्रोसेस जानना जरूरी है। पहला चरण आप अपने स्कूल के दौरान, यानी स्कूल के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे टीचर्स, या ऑनलाइन वेबसाइट आपको बता दी जाएगी। वो पेपर जो है आपका, आपकी तहसील में होगा, आपके खंड में होगा। उस पेपर के अंदर 51 सेंटरों के अंदर 200 बच्चे रखे जाएंगे, यानी 200 प्लस 200 प्लस 200, ठीक है, इतने बच्चे रखे जाएंगे। वो 51 सेंटरों के अंदर, पर सेंटर के अंदर 200 बच्चे रखने के बाद में धीरे धीरे आपकी कोचिंग चलेगी, फिर नेक्स्ट ईयर आपका एग्ज़ाम होगा।
एग्ज़ाम जब होगा नेक्स्ट ईयर किसका, एनटीएससी का, उसमें सिलेक्शन करवाने के लिए आपको तैयारी करवाई जाएगी। एनटीएससी के लिए भी हम कोचिंग देंगे और बुनियाद के लिए भी हम कोचिंग देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं कि क्या होगा जब हम चरण पहला क्लियर कर लेंगे, उसमें तो एनटीएससी वगैरह की तैयारी करवाई जाएगी। लेकिन आने वाले टाइम में रेवाड़ी के अंदर 400 बच्चों को रखा जाएगा, जिसको एनटीएससी की भी कोचिंग मिलेगी और बाकी जेई और नीट की भी कोचिंग मिलेगी। तो ये स्कीम बड़ी लाजवाब बताई जा रही है, लेकिन देखते हैं कितनी लाजवाब है, क्योंकि वो तो समय के अनुसार हम बता पाएंगे। तो पंचकुला में ये फैसला हुआ है, शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव महावीर सिंह जी भी वहाँ पे थे और वो लॉन्च करने वाले हैं इसको 2 तारीख के बाद। और 3 से आपका जो रिजल्ट है, 3 से जो आपका एप्लीकेशन है या फिर रजिस्ट्रेशन है शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इंतज़ार ख़त्म हुआ और इसका नया मोड बना दिया गया, इसे नए तरीके से क्रिएट किया गया है। अब वो नहीं रहा कि वही इसका संचालक है, संचालक चेंज हो गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।